जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। फूड रेगुलेटर ने बाजार से सैंपल कलेक्शन लेना शुरू कर दिया है। दूसरे बेबी फूड बनाने वाली कंपनियों के उत्पादों की जांच भी शुरू कर दी गई है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे, जो देंगे पूरी जानकारी। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर? देखिए, जब से नेस्ले पे रिपोर्ट आई थी, तब से सरकार के तमाम तबके जो कि कंज्यूमर या फिर इन्फेंट से डील करते हैं, वो एक्टिव हो गए थे। यहाँ तक कि एनसीपीसीआर ने भी सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भी फसाई से रिक्वेस्ट की थी कि इस बात को तत्काल प्रभाव से इसकी जांच की जाए और एक समयबद्ध तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। फूड रेगुलेटर ने अब इस बात को संज्ञान में लिया है और फूड रेगुलेटर ने नेस्ले समेत तमाम ऐसी कंपनियां जो बच्चों के लिए फूड पैकेट्स बनाती हैं या फिर ऐसी चीजें बनाती हैं जो कि बच्चे या फिर 5 साल तक के बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं, इन्फेंट से लेके 5 साल के बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं, उनमें चीनी और नमक दोनों की ही मात्रा को तय सीमा से, क्या वो ज्यादा है या तय सीमा के बराबर है, वो मानक का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके बनाने की जो प्रक्रिया है वो मानक के अनुरूप है कि नहीं, इन सब बातों की जांच करेगा। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार फूड रेगुलेटर ने देश के तमाम हिस्सों से ऐसे सैंपल्स को तत्काल प्रभाव से कलेक्ट कर लिया है और ये सारे सैंपल्स नजदीकी लैब में भेजे जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार अगले 1 महीने के दौरान ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिसमें कि स्टैंडर्ड्स का पूरा माप होगा, इसके साथ साथ क्या प्रक्रिया फॉलो की गई है, चीनी और नमक किस मात्रा में मिलाया गया है, एडेड शुगर के नाम पर क्या है और क्या मौजूदा शुगर कंटेंट है उनके पास। क्योंकि जो मानक सरकार के कहते हैं वो ये है कि अगर आप कोई सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो सीरियल्स हैं उनमें भी अपने आप में चीनी होती है, जो आप फ्लेवर मिलाते हैं उसमें भी चीनी होती है, तो ऐसे में किसी भी सूरत में 20% से ज्यादा क्या चीनी की मिलावट या एडेड शुगर नहीं हो सकती है। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट्स में चीनी तय मात्रा से ज्यादा है, इस बात की जांच करेगी सरकार। जी बिजनेस से 19 तारीख को यह बताया था कि नेस्ले के साथ साथ तमाम ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट भी सरकार जांच करेगी और उस खबर पर मोहर लगती दिख रही है, जहां पर फूड रेगुलेटर ने सभी तरह के ऐसे सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया है, जांच शुरू की जा रही है। 1 महीने का टाइम फ्रेम है और 1 महीने के बाद ये रिपोर्ट सरकार पेश करेगी। अगर गलती पाई जाती है, अगर कुछ त्रुटि मिलती है, तो उन प्रोडक्ट्स का तत्काल प्रभाव से जो उत्पादन है वो बंद करने की कई आदेश दिए जाएंगे, इसके साथ साथ पेनाल्टी और जेल की सजा भी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ही अहम जानकारी अमरीश आपकी ओर से। बेबी फूड को लेकर कम से कम ये लापरवाही नहीं चलेगी और सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।